फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ 2021 टाटा सफारी के बारे में, जिसका जो टीज़र इमेज है वो रिवेल हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो टाटा सफारी का जो लेटेस्ट टीज़र है वो रिवेल कर दिया गया है, जिसके अंदर की हमें इसकी ग्रिल देखने को मिली है। और फ्रेंड, ये SUV है वो इसी मंथ में शोरूम्स पे आने वाली है। और फ्रेंड, इसकी जो आइकॉनिक नेम प्लेट है वो हमें वापस देखने को मिल गई है। तो फ्रेंड, ये एक हैरियर का ही 7-सीटर वर्जन है, जो कि हमें ऑटो एक्सपो 2020 पे शोकेस किया गया था, जो कि एक ग्रेविटास कॉन्सेप्ट वर्जन था। तो फ्रेंड, जो टाटा मोटर्स है उसने इसका जो फर्स्ट टीज़र है वो रिलीज़ कर दिया है, जबकि इसका जो नेम है वो 2 डेज पहले ही जो अनाउंस कर दिया गया था। तो फ्रेंड, अब मैं बात करने वाली हूँ इसके अंदर हमें जो न्यू क्रोम ग्रिल देखने को मिली है उसके बारे में। तो फिर इसके जो प्रोडक्शन वर्जन है उसके अंदर हमें न्यू क्रोम ग्रिल देखने को मिली है, जो कि हमें टोटली हैरियर एंड ग्रेविटास से है वो डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें शाइनी ग्लॉस ब्लैक ग्रिल देखने को मिली है, जो कि एक डिफरेंट डिज़ाइन के साथ देखने को मिली है। और फ्रेंड, ये जो क्रोम ग्रिल है वो हमें मच बेटर एंड प्रीमियम देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें ग्रेविटास कॉन्सेप्ट में देखने को मिली थी उससे ये हमें काफ़ी बेटर एंड प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें सिग्नेचर BI एरो डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें नेक्सॉन फेसलिफ्ट में भी देखने को मिली थी। तो फ्रेंड, जो टीज़र इमेज है उसके अंदर हमें जो टाटा सफारी है उसका हमें डार्क ब्लू कलर देखने को मिला था। तो फ्रेंड, लीक इमेज है उसके अंदर हमें इसका जो रियर प्रोफाइल है वो भी हमें इसी कलर में देखने को मिला था। तो फ्रेंड, ये कार हमें ओमेगा RC प्लेटफॉर्म पे बेस देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, इसके जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो हमें हैरियर के ही देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, इसका जो व्हील बेस है एंड ट्रैक है वो भी हमें सेम देखने को मिलने वाला है। बट फ्रेंड, इस कार की जो लेंथ है वो हमें 70 mm जितनी इंक्रीज देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर की हमें इसकी थर्ड रो की सीट्स देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इसके इंजन के बारे में, तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें सेम पावर ट्रेन ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं हैरियर जैसे ही। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें 2.0 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 170 bhp के पावर आउटपुट के साथ एंड 350 nm के टॉर्क के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।